वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम्स। चले दोस्तों, शिक्षा जगत की बहुत सारी खबरों को एक साथ लेकर के आए हैं आपके सामने में। शिक्षक स्थानांतरण नीति, महिला व दिव्यांग को ऐच्छिक तबादला का लाभ। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 1 माह में, पुरुषों को ऐच्छिक तबादला नहीं। यानी कि जो अब तक रूल था कि महिलाओं को और दिव्यांग को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा लेकिन पुरुषों को नहीं मिलेगा, उसी पर अभी डटा हुआ है विभाग। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, 7वां चरण नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना है। देखिए क्या है, कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर वैकेंसी यानी कि बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली शुरू होगी। नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक उत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होना है। चलिए देखते हैं पूरा न्यूज़। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। तबादला के लिए इच्छुक शिक्षकों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। सभी DEO जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन होगा। निगरानी जांच में फंसे शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। रिटायर में 1 वर्ष से कम समय वालों को वरीयता, सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय वाले को भी प्राथमिकता का प्रावधान है। शिक्षक खुद या कि उनकी पत्नी या आश्रित गंभीर बीमार हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हो। यदि पति या पत्नी में कोई एक राज्य या केंद्र सरकार के तहत कार्यरत है, रहने के स्थान पर तबादला में प्राथमिकता। और इसमें कौन कौन से शिक्षक तबादला के ट्रांसफ़र में भागीदारी होंगे, उसके लिए क्या पात्र होंगे? जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। दूसरा, जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही। तीसरा कंडीशन, 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र निगरानी ने सही पाया। चौथा पॉइंट, जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हैं। पांचवा, आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो। और छठा, जिन शिक्षक की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है वे ही इस श्रेणी में होंगे। 1 माह में पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 2022 आएगा। इस नीति के अनुसार राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में से पुरुष शिक्षकों को इच्छानुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत व नगर शिक्षक सेवा शर्त 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं रहा। शिक्षा विभाग ने पंचायत व नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षकों को प्रोन्नति में 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह मिलेगा, लेकिन स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त प्रोन्नति व स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। आप यहीं पर यही सेम न्यूज़ देख सकते हैं, शिक्षकों की सेवा शर्त में बदलाव के आसार नहीं। प्रस्तावित नियमावली में पंचायत नगर शिक्षकों की सेवा शर्त में किसी प्रकार के बदलाव के आसार नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित पंचायत व नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षकों को प्रोन्नति में 10, 20 और 30 साल की सेवा लाभ पुराने शिक्षक की तरह मिलेगा, लेकिन स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त
प्रोन्नति व स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2022 के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद सातवें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 121,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 के 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली शुरू होगी। नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक उत्तर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। सातवें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगा। शिक्षा मंत्री ने उठाए कदम, शिक्षकों से लिया फीडबैक, स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की ठोस पहल। जी हाँ, कुछ अच्छा पहल हो रहा है हमारे नए शिक्षा मंत्री के द्वारा। आज शिक्षा प्रतिनिधि, राज्य में शिक्षकों को समस्याओं से निजात दिलाने एवं स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के दिशा में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के स्तर से ठोस पहल शुरू हो गई है। इसके तहत शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तकरीबन 5 घंटे तक शिक्षकों के साथ बैठे, उनकी समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनी, समस्याएं कैसे दूर हों इस पर परामर्श हुआ। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, इसकी भी पड़ताल हुई। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की शिक्षकों के साथ यह बैठक शुक्रवार को हुई। 5 घंटे की इस बैठक में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे, महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह एवं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रभारी महासचिव विनय मोहन तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्य मृत्युंजय कुमार एवं प्रवीण कुमार शामिल थे। इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पुस्तकालय अध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों एवं डिग्री कॉलेज की समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि इस बात की आवश्यकता जताई गई कि शिक्षकों के वेतन में हुई विसंगति का निराकरण किया जाए। दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बनी नीति को कार्यान्वित किया जाए। शिक्षकों को सेवा की निरंतरता का लाभ नियुक्ति की तिथि से मिले। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक की अवकाश तालिका एक हो। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बनी रहे। इसके लिए जांच परीक्षा के बाद ही परीक्षा फॉर्म भराए जाने की आवश्यकता बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जताई गई। यह मामला भी उठा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के पद खाली रहने से उनके कार्य भी शिक्षकों को ही करने पड़ रहे हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद भी खाली हैं। इसका असर भी स्कूलों में कामकाज पर पड़ रहा है। बैठक में जो समस्याएं उभर कर सामने आई हैं उसकी समीक्षा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के बैठक करेंगे। इसके मद्देनज़र संभव है कि शिक्षकों के साथ एक दौर की वार्ता शिक्षा मंत्री और करें। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की इस पहल को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अच्छी शुरुआत कहा है। उन्होंने कहा कि इसके पहले शिक्षकों की सुनी कहाँ जाती थी। यह एक अच्छी न्यूज़ है। अगर इस तरह की इम्प्रूवमेंट होती है तो शिक्षा में भी सुधार होगा और शिक्षकों के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें।